नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी M42 5G। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी रिलेटेड फीचर्स के बारे में जो आपको इस फोन में मिल जाते हैं, जो मिलते हैं आपको फिंगरप्रिंट में, फेस अनलॉक में, डेवलपर ऑप्शंस में। और तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे फेस अनलॉक की। दोस्तों अगर आपने अपने फोन में फेस अनलॉक को यहाँ पे इनेबल किया होगा, आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी, जब भी आप अपने फोन को अनलॉक करते हो फेस से, आप यहाँ पे देख सकते हो ये लॉक तो खुल जाता है लेकिन ये मेन स्क्रीन में ओपन होता नहीं। आपको यहाँ पे स्वाइप करना पड़ता है तब जाके ये ओपन होता है इस तरीके से। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि बिना स्वाइप किए ही जो फोन है मेन स्क्रीन पे अनलॉक हो जाए बिना स्वाइप किए, तो आप ऐसा कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में, और फिर आपको यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन इस पर टैप करना है, आपका पिन देना है या पैटर्न देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टे ऑन लॉक स्क्रीन अंटिल स्वाइप, आपको इसे डिसेबल करना है। इसके बाद जब भी आप यहाँ पे अपने फोन पे फेस अनलॉकाइज करोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे स्वाइप अप नहीं करना पड़ेगा, बिना स्वाइप किए ही आपका फोन अनलॉक हो जाएगा इस तरीके से। दोस्तों फिर इसी के नीचे होता है फास्टर रिकॉग्निशन। अगर आपको अपने फेस अनलॉक को और ज्यादा फास्टर करना है तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। लेकिन आपको याद रखना है, अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हो तो फेस अनलॉक तो फास्टर हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी फोटो या वीडियो भी दिखाओगे फोन के सामने तो हो सकता है कि आपका फोन अनलॉक हो जाए फेस अनलॉक से। तो इसलिए अगर आप ज्यादा सिक्योर चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो, तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल नहीं करना है। लेकिन अगर आप फास्टर चाहते हो फेस अनलॉक, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। दोस्तों फिर इसके नीचे होता है रिक्वायर ओपन आईज, मतलब जब आपकी आंखें खुली होंगी तभी फेस अनलॉक काम करेगा, अगर आपकी आंखें बंद होगी तो फेस अनलॉक काम नहीं करेगा। इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना है ताकि अगर आप सो रहे हो और आपका फेस अगर कोई स्कैन कर ले तो हो सकता है कि आपका जो फोन है अनलॉक हो जाए फेस अनलॉक से। इसलिए आपको इस ऑप्शन को इनेबल रखना है ताकि बिना आंखों के, बिना आंख खुले आप अपने फोन को अनलॉक ना कर सको। दोस्तों फिर होता है यहाँ पे ब्राइटन स्क्रीन। दोस्तों अगर आप अंधेरे में फेस अनलॉक का यूज करते होंगे तो आपको पता होगा फेस अनलॉक काम करता नहीं अंधेरे में, लेकिन अगर आप फेस अनलॉक का यूज करना चाहते हो अंधेरे में तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है ताकि आपकी जो स्क्रीन है ब्राइटन हो जाए, उसका जो लाइट है आपके फेस पर पड़े, और जिसके कारण आप फेस अनलॉक का यूज कर सकते हो अंधेरे में भी, तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है। दोस्तों फिर यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी में फिंगरप्रिंट्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसमें कुछ आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे आप अगर यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे होता है फिंगरप्रिंट ऑलवेज ऑन, मैंने यहाँ पे इसे इनेबल किया। इसका मतलब होता क्या है, अगर मान लो आपने फोन को यहाँ पे लॉक कर दिया तो यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर काम नहीं कर रहा है। भले यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे थंब रखोगे अपना तो यहाँ पे दिखाई देगा, मतलब यहाँ पे फिंगरप्रिंट हमेशा काम करता है, चाहे फिर वो दिखाई दे या ना दिखाई दे। तो इसलिए आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है फिंगरप्रिंट। फिर होता है यहाँ पे टैप टू आइकन वेन स्क्रीन ऑफ, इसका मतलब है कि अगर मैं इसे इनेबल कर दूं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा, आपको पता नहीं कि फिंगरप्रिंट का आइकन कहाँ पे है, तो आपको क्या करना है, केवल एक टैप करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट का जो आइकन है वो दिखाई देगा ताकि आप अच्छे से वहाँ पे स्कैन कर सको अपनी उंगली को। और फिर यहाँ पे लास्ट में होता है शो एनिमेशन वेन अनलॉकिंग, मतलब आपको अगर एनिमेशन को इनेबल करना है तो आपको इसे इनेबल करना है, अगर आपको एनिमेशन बंद करना है तो आपको इसे ऑफ करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एनिमेशन होता नहीं, इसलिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट अच्छे से काम करता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप इस तरीके से जो एनिमेशन है उसे ऑफ कर सकते हो ताकि जो आपका फिंगरप्रिंट है बिना एनिमेशन के फास्टली यहाँ पे वर्क करे। दोस्तों फिर इसके नीचे जैसे आप आओगे यहाँ पे मिलेगा आपको फाइंड माय मोबाइल, इसको आपको इनेबल करना है। आपको इसे इनेबल क्यों करना है, ताकि आप यहाँ पे रिमोट अनलॉक कर सको। मान लो आप कभी भी अपने फोन का जो पासवर्ड या पिन है भूल जाते हो, तो फिर आप दूसरे फोन से इस वेबसाइट पर लॉगिन करके इस फोन का जो पासवर्ड या पिन है उसे रिसेट कर सकते हो, तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है। इसके बाद सेंड लास्ट लोकेशन, कभी भी आपका फोन मान लो गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो फोन स्विच ऑफ होने के पहले जहां पे उसकी लोकेशन थी फोन की, वो लोकेशन आपको सेंड हो जाएगी ईमेल पे। और यहाँ पे होता है ऑफलाइन फाइंडिंग, अगर आपका फोन ऑफलाइन भी हो, बिना सिम के भी हो, फिर भी आप अपने फोन को लोकेट कर सकते हो, उसकी लोकेशन आपको मिलती रहेगी इस वेबसाइट पे। तो आपको इन तीनों ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल करना है ताकि अगर आप कभी भी अपने फोन को गवा देते हो, गुम हो जाता है, फिर लॉस्ट हो जाता है कभी भी, तो आप इस ऑप्शन का अच्छे से यूज करके अपने फोन को लोकेट कर सको। इस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों फिर इसके नीचे यहाँ पे जैसे आप आओगे यहाँ पे होता है अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स, जैसे आप इस पर टैप करोगे यहाँ पे ऑप्शन होता है पिन विंडोज का, आपको इसे इनेबल करना है। इनेबल करके आपको इस पर टैप करना है और आपको यहाँ पे आस्क फॉर पिन बिफोर अनपिनिंग, इसे भी इनेबल करना है। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी भी ऐप को पिन करना। जैसे मान लो यहाँ पे गैलरी मैंने ओपन कर दी, ठीक है, मुझे किसी को ये फोटो दिखाने के लिए उसे फोन देना है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो गैलरी के सिवा कोई दूसरे ऐप को देखे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिसेंट ऐप्स में जाऊंगा और यहाँ पे गैलरी के आइकन पे टैप करूंगा और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पिन दिस ऐप, इस पे टैप करूंगा। अब क्या होगा,
जो भी बंदा गैलरी को देख रहा है वो केवल गैलरी को ही देख पाएगा। अगर कहीं पे भी उसको फोटो देखना है, वीडियो देखना है तो कर सकता है सब कुछ, लेकिन अगर उसे गैलरी से बाहर निकलना है तो वो गैलरी से बाहर नहीं निकल पाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे होम पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ, बैक कर पा रहा हूँ लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे जो पैनल है वो भी नहीं देख पा रहा हूँ। इसका मतलब है कि आप इस तरह से किसी भी व्यक्ति को अगर आपका फोन हैंड ओवर करते हो तो आप इस तरीके से किसी भी ऐप को पिन कर सकते हो ताकि वो जो इंसान है जो भी ऐप आपने उसे खोल के दिया है उसी ऐप में हो रहे, दूसरे ऐप में वो ना जा सके। अगर आपको इसे अनपिन करना है तो आपको यहाँ पे स्वाइप अप एंड होल्ड करना है इस तरीके से, फिर आपका जो ऐप है वो अनपिन हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों फिर यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन होता ही होता है मेक पासवर्ड विजिबल। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, मान लो आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट या फिर ऐप में लॉगिन कर रहे हो, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे फेसबुक में लॉगिन कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है, तो आप देखोगे जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करूंगा वैसे आपको यहाँ पे वो पासवर्ड दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हो मैंने 5 यहाँ पे एंटर किया, 6 एंटर किया, 7 एंटर किया, आप यहाँ पे जो नंबर से वो देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मतलब अगर मेरे बाजू में कोई बैठा होगा तो देख सकता है कि मैं यहाँ पे क्या टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ी देर के लिए ये दिखाई देता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जब भी आप पासवर्ड टाइप करो तो इस तरीके से थोड़े भी देर के लिए ऐसे जो लेटर से, वर्ड से, जो भी नंबर से वो नहीं दिखाने चाहिए, तो आपको इस ऑप्शन को मेक पासवर्ड विजिबल इसे डिसेबल करना है। तो आप देखोगे अभी मान लो मुझे यहाँ पे कोई पासवर्ड एंटर करना है तो थोड़ी देर के लिए भी अभी मुझे कोई भी पासवर्ड नहीं दिखाई देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर रहा हूँ लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिखाई दे रहे। तो इस तरीके से आप पासवर्ड को विजिबल रखना है कि नहीं थोड़ी देर के लिए ऐसे इसे यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हो मेक पासवर्ड विजिबल में। दोस्तों फिर यहाँ पे लॉक स्क्रीन में बड़ी काम की चीज होती है, जैसे आप यहाँ पे जाते हो लॉक स्क्रीन में सिक्योर लॉक सेटिंग्स में आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे होता है, ये तीन ऑप्शंस काफी जरूरी होते हैं। पहला होता है ऑटो फैक्ट्री रीसेट। इसका मतलब होता है कि मान लो आपका फोन कोई अगर दूसरा अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है, गलत पासवर्ड बार बार डाल रहा है, तो अगर वो 15 बार यहाँ पे इनकरेक्ट अटेम्प्ट करेगा तो जब वो 16वें बार इनकरेक्ट अटेम्प्ट करेगा तो जो आपका फोन होगा फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, आपका फोन फॉर्मेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसे इनेबल कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। दोस्तों फिर होता है यहाँ पे लॉक नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। मैंने यहाँ पे इसे इनेबल रखा है। अब इसे इनेबल रखने का फायदा क्या है, अगर मान लो आपने अपने फोन को लॉक कर दिया, ठीक है, अब कोई दूसरा बंदा आता है और आपके फोन को यहाँ पे जो वाईफाई है, मोबाइल डेटा है, ब्लूटूथ है, लोकेशन है, उसे ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिना पासवर्ड के, बिना बायोमेट्रिक्स के उसे ऑफ नहीं कर पाएगा, फिर चाहे वाईफाई हो, ब्लूटूथ हो, लोकेशन हो या फिर मोबाइल डेटा हो। तो अगर आपको इस तरह से सेटिंग रखनी है तो आपको उस ऑप्शन को इनेबल करना है। दोस्तों फिर यहाँ पे लास्ट में होता है ऑप्शन शो लॉकडाउन ऑप्शन। अगर आपने इसे इनेबल कर दिया और अगर आपने यहाँ पे पावर ऑफ करने की कोशिश की, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अभी नया लॉकडाउन मोड। अगर आप इसे इनेबल करते हो तो क्या होगा, आपके फोन में यहाँ पे अब फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा, केवल आपको पिन से ही ये करना पड़ेगा अपने फोन को अनलॉक, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो अगर मैं वापस लॉकडाउन मोड को इनेबल करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे फिंगरप्रिंट का जो आइकन है वो दिखाई नहीं देगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, और ना ही यहाँ पे मेरा फेस अनलॉक काम कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मुझे केवल पिन या पासवर्ड डाल के ही अपने फोन को अनलॉक करना पड़ेगा, इसे कहते हैं लॉकडाउन मोड। दोस्तों फिर यहाँ पे होता है नोटिफिकेशंस। दोस्तों मान लो आपको नोटिफिकेशंस तो बहुत सारी आती है, लेकिन यहाँ पे आपने गौर किया होगा लॉक स्क्रीन पे भी बहुत सारी नोटिफिकेशन दिख जाती है, तो बिना पासवर्ड के भी बहुत सारे लोग आपकी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि लॉक स्क्रीन पे नोटिफिकेशन ना दिखाई दे, केवल आइकन दिखाई दे लेकिन क्या लिखा हुआ है वो ना दिखाई दे, तो आप यहाँ पे टैप कर सकते हो नोटिफिकेशंस पे, और आपको यहाँ पे टैप करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है आइकन्स ओनली, मतलब यहाँ पे नोटिफिकेशंस पे लॉक स्क्रीन पे केवल आइकन्स ही दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे डिटेल्स करोगे तो वो मैसेज क्या है, कौन से कॉन्टैक्ट से वो मैसेज आया है, वो सारी चीजें आप लॉक स्क्रीन पे ही देख सकते हो। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप इस ऑप्शन को ऑन करो, इसलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा आइकन्स ओनली। दोस्तों आपने यहाँ पे गौर किया होगा जब भी मैं यहाँ पे पिन से अनलॉक करता हूं अपने फोन को, मुझे यहाँ पे ओके पे टैप नहीं करना पड़ता, मेरा फोन जो है बिना ओके पे टैप करके ही अनलॉक हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर जाना है यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन में, आपको यहाँ पे स्क्रीन लॉक टाइप पे टैप करना है, आपका पिन डाल देना है, और आप जो भी यहाँ पे यूज करते होंगे पिन, अगर मैं यहाँ पे पिन यूज कर रहा हूँ तो पिन पे टैप करूंगा, और आपको वही सेम पिन डालना है आपका। लेकिन यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जो नीचे दिखाई दे रहा है कंफर्म पिन विदाउट टैपिंग और ओके, आपको यहाँ पे टैप करना है, टिक करना है, इसके बाद आपको अपना वही पिन डालना है और फिर ओके करना है, ठीक है। इसके बाद बिना ओके के आप यहाँ पे अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको ओके पे टैप नहीं करना है, बिना ओके के आप अपने
फोन को अनलॉक कर सकते हो बड़ी आसानी से। दोस्तों जब भी आप अपने फोटोज को सेंड करते हो किसी को तो फोटोज के साथ उसका जो लोकेशन डेटा है वो भी सेंड हो जाता है अगर आपने लोकेशन टैग्स को इनेबल किया होगा कैमरा में। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपने कहां पे फोटो क्लिक की है वो सामने वाले को पता ना चले उस डिटेल में, उस फोटो की डिटेल में, तो आप जो डिटेल्स है लोकेशन की वो निकाल सकते हो शेयरिंग करने से पहले। तो जैसे मान लो आप किसी फोटो को यहाँ पे शेयर कर रहे हो, मान लो मुझे इस फोटो को शेयर करना है लेकिन अगर मुझे इसकी जो लोकेशन डेटा है यहाँ पे होती है वो मुझे निकाल देनी है, तो आपको यहाँ पे शेयर के बटन पे टैप करना है और यहाँ पे आपको रिमूव लोकेशन डेटा ये ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको यहाँ पे टिक करना है और आपको जिसे सेंड करना है उसे आप सेंड कर सकते हो। फोटो सेंड हो जाएगी लेकिन फोटो की जो लोकेशन डेटा है वो सेंड नहीं होगी। दोस्तों हर एक ऐप्स को ठीक से काम करने के लिए हमें बहुत सारी परमिशंस उन्हें अलाउ करनी पड़ती है, लेकिन दोस्तों कई सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो हम कुछ दिनों तक यूज नहीं करते लेकिन उसकी परमिशन अलाउ ही रहती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर मैं कोई ऐप यूज ना कर रहा हूँ तो जो परमिशंस है वो यहाँ पे रिवोक हो जाए, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी ऐप पे जो ऐप की आपको परमिशन निकाल देनी है आपको उस पर लॉन्ग टैप करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे फ्री फायर बहुत दिनों से खेला नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे लॉन्ग टैप करूंगा, फिर करूंगा यहाँ पे ऐप डन पे टैप और यहाँ पे परमिशन में जाना है आपको और आपको यहाँ पे लास्ट में मिल जाएगा ऑप्शन रिमूव परमिशंस इफ ऐप इजंट यूज्ड। अगर मैं इसे इनेबल करूंगा तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं कुछ दिनों तक इस ऐप को यूज नहीं करता हूँ, इस गेम को यूज नहीं करता, तो जो भी मैंने परमिशंस दी है वो सारी परमिशन डिसेबल हो जाएगी। दोस्तों आपने कई सारे ऐप्स को माइक्रोफोन और कैमरा की परमिशन दी होगी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जब भी वो ऐप कैमरा और माइक्रोफोन यूज करे तो आपको बार बार पूछी जाए परमिशन के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, मान लो फेसबुक को आपने कैमरा और माइक्रोफोन की परमिशन दी है तो आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है, ठीक है, आई बटन पे टैप करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा परमिशन। और फिर जैसे आप यहाँ पे जाओगे आप यहाँ पे देख सकते हो कैमरा और माइक्रोफोन। तो जैसे आप यहाँ पे कैमरा पे टैप करोगे आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलता है आस्क एवरी टाइम, मतलब फेसबुक जब भी कैमरा यूज करना चाहेगा तब हर बार उसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ पे इसे ऑन करना है। उसी तरह से माइक्रोफोन के लिए भी सेम है, दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो जब भी फेसबुक माइक्रोफोन यूज करना चाहेगा उसे परमिशन लेनी पड़ेगी और हर बार आपको यहाँ पे परमिशन अलाउ करना पड़ेगा जब भी कैमरा माइक्रोफोन फेसबुक यूज करना चाहे। तो आप इस तरीके से कैमरा और माइक्रोफोन की परमिशन बार बार ऐप आपको पूछे इस तरीके से आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपके फोन में सैमसंग के फोन में एंटीवायरस का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है जो डिसेबल होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन आपको उसे इनेबल करना पड़ता है। तो उसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर आपको जाना है यहाँ पे बैटरी एंड डिवाइस केयर में और आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन डिवाइस प्रोटेक्शन, आपको इसे टैप करना है और फिर आपको यहाँ पे टर्न ऑन करना है। ये होता है मैकएफी एंटीवायरस, तो आप इस एंटीवायरस का यूज कर सकते हो आपके फोन में, आपको कोई भी थर्ड पार्टी एंटीवायरस यूज करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे पैनिक मोड का भी ऑप्शन मिलता है जिसके जरिए अगर आप अपने पावर बटन पे ट्रिपल प्रेस करते हो, तीन बार प्रेस करते हो, तो आपका एक नंबर डायल होगा, इमरजेंसी नंबर, हेल्पलाइन नंबर, और इसके अलावा जो भी आपने कॉन्टैक्ट यहाँ पे सेव करके रखा होगा उस कॉन्टैक्ट को मैसेज जाएगा लोकेशन डेटा के साथ, ताकि सामने वाले को पता चले कि आप किसी मुसीबत में हो। तो मुसीबत के दौरान आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। पिक्चर भी सेंड होगी उस कॉन्टैक्ट को, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में, एडवांस फीचर में, और फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन पैनिक मोड, आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पर आपको टैप करना है और आप को यहाँ पे इसे ऑन करना है। ऑन करने पर आपको यहाँ पे अटैच पिक्चर्स इसे इनेबल करना है, तो फ्रंट कैमरा बैक कैमरा दोनों ही कैमरा से पिक्चर्स क्लिक होगी और जो भी पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक होगी मैसेज के साथ लोकेशन डेटा के साथ यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उस कॉन्टैक्ट को यहाँ पे सेंड हो जाएगी। आप यहाँ पे प्लस के साइन पे टैप करके और कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे 112 पे भी कॉल हो जाएगा, जो आपने कॉन्टैक्ट सेव किया है यहाँ पे उस पे भी मैसेज जाएगा लोकेशन के साथ पिक्चर के साथ, ताकि आप अगर मुसीबत में हो तो यहाँ पे आपको वो मदद कर सके। दोस्तों मान लो आप बिजी हो और आपको आपके फोन में तो बहुत सारे ऐप्स है लेकिन आपको बहुत सारे ऐप्स में तो काम करना नहीं है, तो अगर आप चाहते हो कि कुछ पर्टिकुलर ऐप्स है उनके ही मैसेज या उनके ही नोटिफिकेशन, उनका ही डेटा एक्टिविटी चालू रहे, बाकी सारे ऐप्स डिसेबल हो जाए, तो आप ऐसा कर सकते हो जिसे कहते हैं फोकस मोड। अगर आप व्हाट्सएप, जीमेल या पर्टिकुलर ऐप्स में ही काम करना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर ऐप्स को इनेबल रख सकते हो, बाकी ऐप्स को डिसेबल कर सकते हो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो आपको जाना है क्विक स्क्रीन टॉगल में और आपको यहाँ पे मिल जाएगा फोकस मोड, आपको इसे इनेबल करना है, टैप करना है और यहाँ पे आपको वर्क टाइम स्टार्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे फोकस मोड चालू हो चुका है, यहाँ पे सिक्योर फोल्डर इनेबल है, कॉल इनेबल है, मैसेज इनेबल है, सेटिंग्स इनेबल है। तो इस तरीके से जो भी ऐप आपने यहाँ पे इनेबल रखे हैं वही ऐप अब आप यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे नोट्स पे या माई फाइल्स पे टैप करूंगा तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे फोकस मोड में अभी चालू है, इसलिए आप इसका यूज नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, इस पे टैप करके करना है गो टू फोकस मोड, या फिर ऊपर में आपको यहाँ पे टैप करना है, फोकस मोड पे टैप करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 ऐप्स अवेलेबल, अगर आपको और ऐप्स यहाँ पे ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे एडिट ऐप्स पे टैप कर सकते हो।
मुझे यहाँ पे कैमरा भी ऐड करना है, मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स भी ऐड करना है, डियो भी ऐड करना है। तो आपने जो ऐड किए ऐप्स 9 ऐप्स, उन्हीं ऐप्स को आप यूज कर सकते हो। फोकस मोड के दौरान उन्हीं ऐप्स की नोटिफिकेशन आपको आएगी, बाकी किसी भी ऐप्स की नोटिफिकेशन नहीं आएगी, बाकी कोई भी ऐप्स बैकग्राउंड में काम नहीं करेगा। मुझे फोकस मोड को एंड करना है तो आप यहाँ पे एंड फोकस मोड कर सकते हो। दोस्तों अगर आप किसी भी ऐप को बैकग्राउंड में यूज करने से रोकना चाहते हो, अगर किसी भी ऐप को बैकग्राउंड में मोबाइल डेटा यूज करने से रोकना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। मान लो मुझे फेसबुक में ऐसा करना है तो आपको उस पर लॉन्ग टैप करना है, आई बटन पे टैप करना है और फिर आपको जाना है यहाँ पे मोबाइल डेटा में। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको उस पर टैप करना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अलाउ बैकग्राउंड डेटा यूसेज, आपको इसे डिसेबल करना है, मतलब फेसबुक बैकग्राउंड में मोबाइल डेटा यूज नहीं कर पाएगा। इसके बाद अगर आपको बैकग्राउंड में एक्टिविटी करने से रोकना है इसे, तो आपको जाना है बैटरी में और आपको यहाँ पे करना है अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी इसे डिसेबल, मतलब जो बैकग्राउंड में सीपीयू यूज होगा वो भी फेसबुक यूज नहीं कर पाएगा। दोस्तों आपको पता होगा जब भी आप स्क्रीनशॉट क्लिक करते हो तो क्या होता है, ऊपर में जो ये स्टेटस बार होता है उसके जो आइकन होते हैं, टाइम होता है, बैटरी लेवल होता है, वो सब यहाँ पे कैप्चर हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो अब मैंने यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट क्लिक की है इसमें यहाँ पे सब कुछ आ गया है ऊपर में, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऊपर में जो भी लिखा हुआ है स्टेटस बार में वो ना दिखाई दे स्क्रीनशॉट में, तो आप उसे डिसेबल कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर जाना है आपको एडवांस फीचर में, स्क्रीनशॉट में, और आपको यहाँ पे हाइड स्टेटस एंड नेविगेशन बार इसे इनेबल करना है। इससे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट क्लिक करूंगा तो ऊपर में जो भी होगा वो अब यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा स्क्रीनशॉट में, आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों अगर आपको अपने स्क्रीनशॉट बिना सेव किए डायरेक्ट शेयर करने किसी कॉन्टैक्ट को, तो आप ऐसा कर सकते हो, मतलब जब भी आप स्क्रीनशॉट क्लिक करोगे आप डायरेक्ट उसे शेयर कर सकते हो, लेकिन वो स्क्रीनशॉट जो होगी आपके गैलरी में सेव नहीं होगी। तो उसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में, एडवांस फीचर में, स्क्रीनशॉट में, और आपको यहाँ पे डिलीट शेयर्ड स्क्रीनशॉट इसे इनेबल करना है। दोस्तों मान लो यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट क्लिक कर दी, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से उसे शेयर कर दूंगा किसी भी कॉन्टैक्ट को, तो जो स्क्रीनशॉट होगी गैलरी में सेव नहीं होगी, शेयर हो जाएगी उस कॉन्टैक्ट को लेकिन गैलरी में सेव नहीं होगी। तो दोस्तों बात करते हैं डेवलपर ऑप्शंस में मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस के बारे में। तो डेवलपर ऑप्शंस को इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर आपको जाना है अबाउट फोन में, फिर आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पर टैप करना है, आपको बिल्ड नंबर पर लगातार 7 बार टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर बैक आना है और फिर आपको यहाँ पे लास्ट में मिल जाएगा ऑप्शन डेवलपर ऑप्शंस का, आपको इस पर टैप करना है। दोस्तों सबसे पहला जो ऑप्शन होता है यहाँ पे ये होता है एनिमेशन को ऑफ करने का या फिर एनिमेशन को फास्ट करने का। दोस्तों अगर आप एनिमेशन को फास्ट कर देते हो तो आपका फोन पहले से ज्यादा फास्ट चलने लगता है, इसीलिए अगर आप अपने फोन को और फास्ट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल, इन तीनों को आपको 0.5x या फिर ऑफ कर देना है। तो इसके कारण क्या होगा, आपका फोन पहले से ज्यादा फास्ट हो जाएगा। दोस्तों फिर इसके नीचे होता है यहाँ पे फोर्स डार्क मोड। दोस्तों कई सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो डार्क मोड सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो जो ऐप से डार्क मोड सपोर्ट करे तो आप इसे इनेबल कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि जो भी ऐप डार्क मोड सपोर्ट नहीं करेंगे वो भी जो ऐप से डार्क मोड में इनेबल हो जाएंगे। दोस्तों फिर यहाँ पे होता है जीपीयू वॉच का ऑप्शन। दोस्तों अगर आप गेमिंग करते हुए आपको FPS, सीपीयू लोड, जीपीयू लोड के बारे में जानना हुआ रियल टाइम में, तो आप इसे इनेबल कर सकते हो, आपको इसे इनेबल करना है। फिर आपको यहाँ पे कौन कौन से विजेट चाहिए, FPS, सीपीयू लोड, जीपीयू लोड, आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हो, साइज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ओके करना है आपको। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे FPS, सीपीयू लोड, जीपीयू लोड आपको यहाँ पे रियल टाइम में दिखाई देगा, तो गेमिंग के दौरान आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा कितना FPS चल रहा है और कितना सीपीयू जीपीयू लोड यहाँ पे यूज हो रहा है। दोस्तों आपको पता होगा कई सारे ऐप्स जो होते हैं पॉपअप व्यू सपोर्ट करते हैं, स्प्लिट स्क्रीन व्यू सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, जैसे इंस्टाग्राम। तो अगर आप चाहते हो कि सभी ऐप्स पॉपअप व्यू सपोर्ट करें, स्प्लिट स्क्रीन सपोर्ट करें, मल्टी विंडो सपोर्ट करें, तो आपको यहाँ पे इन दो ऑप्शन को इनेबल करना है, फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसाइजेबल और इनेबल फ्री फॉर्म विंडोज, आपको इन दो ऑप्शन को इनेबल करना है। इसके बाद कोई भी ऐप्स जो होगा आपको यहाँ पे ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू, ओपन इन पॉपअप व्यू, ये ऑप्शन दिखाई देंगे सभी एप्स में, तो आपको इस ऑप्शन को, दोनों ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल करना है। दोस्तों अगर आपको लॉक स्क्रीन में अपना नाम या फिर कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे कुछ भी लिखना हो लॉक स्क्रीन में इस तरीके से, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है लॉक स्क्रीन में और फिर आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे टैप करना है और आपको यहाँ पे जो भी लिखना है वहाँ पे लॉक स्क्रीन पे आपको यहाँ पे लिख देना है और डन करना है। तो दोस्तों ये थे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, सारे फीचर्स सिक्योरिटी रिलेटेड इस फोन में सैमसंग गैलेक्सी M42 के। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।